हे गाइस, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी किस प्रकार मिलती है? गाइस, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? क्या आप जानते हैं ट्रेडमिल की शुरुआत सजा देने के लिए की गई थी? तो इस वीडियो में आप कुछ इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो मेरा नाम है हिमांशु राज और आप देख रहे हैं टेक्नो फैक्ट चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, गाइज, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य की रोशनी है, ये तो हम सभी जानते हैं। और शरीर के आवश्यक मात्रा का 95% हिस्सा हमें धूप सेकने से मिलती है और बाकी का हिस्सा अन्य खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने से मिलता है। गाइज, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य तो है, लेकिन हमें सूर्य से डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलती है, यानी कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी नहीं होती। ये विटामिन डी हमें हमारे स्किन से मिलती है। वो कैसे भाई? तो देखिए, सनलाइट बस एक फैक्टर है जिससे कि हमारे त्वचा में उपस्थित एलिमेंट कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश के साथ रिएक्ट करके विटामिन डी का निर्माण करता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। फैक्ट नंबर टू, गाइस, इंडिया गेट का निर्माण 1931 में पूरा हुआ था और यह करीब 70,000 ऐसे भारतीय सैनिक का स्मारक है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। इसके दीवारों पर सभी शहीद सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। यह इंडिया गेट 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी और इंडिया गेट का डिजाइन एडविन ल्यूटन्स ने किया था। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था और इंडिया गेट पूरा 12 फरवरी 1931 को बना था। फैक्ट नंबर थ्री, तो गाइज, अब आते हैं ट्रेडमिल को सजा के लिए क्यों उपयोग किया गया और किसके द्वारा किया गया। गाइज, 1818 में सर विलियम क्यूबिट नामक एक अंग्रेज इंजीनियर के द्वारा ट्रेडमिल की शुरुआत की गई थी, जो कि एक मिलर का लड़का था। काम धाम ना करने वाले कैदियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी आलस को ठीक करने और अपनी मांसपेशियों की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव रखा था। सजा के लिए क्यूबिट के ट्रेडमिल आमतौर पर एक ही एक्सिस पर चारों तरफ घूमता रहता था, जिससे कि उपयोगकर्ता को ऊपर की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती थी, जैसे कि एक अंतहीन सीढ़ी पर चढ़ना, यानी कि इंडलेस सीढ़ी पर चलना। गाइस, 1865 के जेल के नियम के अनुसार इन शर्म की सजा पाने वाले 16 वर्ष के अधिक आयु वाले प्रत्येक पुरुष कैदी को अपने सजा के कम से कम 3 महीने श्रम में बिताने पड़ते थे, जिसमें कि मुख्य रूप से ट्रेडमिल शामिल था। तो इस प्रकार ट्रेडमिल की शुरुआत सजा देने के लिए की गई थी और आजकल हम इसे एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं।